नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। दोस्तों, राष्ट्रीय कर्मचारी समाचार से कर्मचारियों के लिए बहुत बुरी खबर आ रही कि इन 5 लाख कर्मचारियों के लिए वेरी बैड न्यूज। देश के सभी विभागों के कर्मचारी जरूर देखें, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और न्यूज टुडे पर दोस्तों कर्मचारी जगत शिक्षा की लेटेस्ट अपडेट खबरें दिखाई जाती है, इसलिए आप न्यूज टुडे जुड़ना ना भूलें, सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक करके। तो चलिए देख लेते हैं, जान लेते हैं, लेट्स गो। केंद्र सरकार ने अब 5 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने का प्रस्ताव बनाया है। इसके लिए उस कानून का सहारा लिया जा रहा है जिसमें 55 साल की उम्र में सेवानिवृत्त कर दिए जाने का प्रावधान है। इसी के तहत कर्मचारियों की कुंडली बनाने का काम किया जा रहा है। इसके बाद ही बनाई गई सूची के आधार पर नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाने की योजना पर काम शुरू करने की संभावना है। इस मामले में कार्मिक विभाग ने आयुध निर्माणियों के अलावा रेलवे को मुख्य निशाना बनाया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों का सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं संस्थानों का है। इस मामले में केंद्रीय कार्मिक विभाग ने जो जानकारी मांगी है उसमें कर्मचारियों की 55 साल उम्र या फिर 30 साल की नौकरी पूरी होने की बात कही गई है। इस मामले को पहले श्रम संगठनों ने सामान्य जानकारी माना था, लेकिन जब सरकार की मंशा की जानकारी उन्हें मिली तो हड़कंप मचना शुरू हो गया। देश में केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 50 लाख के करीब है और इसमें सबसे ज़्यादा करीब 14 लाख रेलवे कर्मचारी हैं। और सरकार की योजना है कि यदि रेलवे और आयुध निर्माणियों के 55 साल की उम्र या 30 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए तो काफ़ी हद तक खर्च पर लगाम लगाई जा सकती है। श्रम संगठनों का यह भी कहना है कि सरकार की मंशा है कि नई भर्ती के नाम पर पुराने कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाए। इसमें ऐसे कर्मचारियों को जिनका स्वास्थ्य खराब रहता है उन कर्मचारियों को भी शामिल करने की योजना है ताकि उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति इसी आधार पर दी जा सके। विरोध की रणनीति। इस मामले को लेकर जहां रेलवे की यूनियनें विरोध की रणनीति बना रही हैं, वहीं दूसरी ओर आयुध निर्माणियों में भी आंदोलन की रूपरेखा बनाई जा रही है। सुरक्षा कर्मचारी संघ के अरुण दुबे, अजय चौहान, मुकेश बिनोदिया ने केंद्र सरकार के इस कदम को श्रमिक विरोधी बताया है। वहीं SN पाठक अध्यक्ष AIDEF का कहना है कि कर्मचारियों की 5 साल पहले सेवानिवृत्ति का निर्णय तानाशाही पूर्ण कदम है, इसे फेडरेशन किसी भी हालात में स्वीकार नहीं करेगी। तो दोस्तों, फैक्ट फाइल से आ रही कार्मिक विभाग ने रेलवे, आयुध निर्माणियों समेत अनेक संस्थानों से ब्यौरा मांगा है। 5 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को बाहर करने की तैयारी है। 5 साल पहले सेवानिवृत्ति, पेंशन कम मिलेगी, प्रमोशन का लाभ नहीं मिलेगा, ग्रेजुएटी व PF कम मिलेगा, ट्रेड कर्मी बाहर हो जाएंगे, कर्मियों की कमी हो जाएगी, सरकार का वित्तीय भार काफी कम हो जाएगा। तो साथियों, आप किस विभाग के कर्मचारी हैं और किस राज्य के हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आगे आपको ऐसी लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे इसलिए आप न्यूज टुडे जुड़ना ना भूलें, सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक करके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।